और स्वागत है आपका मेरे कल्पना संडरलैंड चैनल पर। तो आज 12 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज है संडे और हमारे नीचे में है रुद्राभिषेक, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। अभी मैंने दरवाज़ा लगा लिया है और देखिए मैंने भगवान के कपड़े सब धो के रखी थी। परसों के दिन आपको बताई थी मैंने ये कपड़े मैंने निकाली थी, तो इसको घड़ी वगैरह करके अच्छे से रख रही हूँ। और खाना बन रहा है मेरा, दाल चावल और सब्जी और रोटी बन रही है मेरी। बस अब रोटी बनाऊंगी, रोटी बाकी है। खाना होने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो शर्मा जी ने लाए थे वेजिटेबल्स, तो उनको साफ़ कर रही हूँ। और इधर पोथी भी चल रही है मेरी, शिवपुराण कथा चल रही है। फ्रेंड्स, तो मैं मिल रही हूँ आपको अभी 4:30 बजे, क्योंकि आपने देखा अभी मैं जाने वाली हूँ बाहर, क्योंकि आज है फ्रेंडशिप डे। तो सुबह से तो पता नहीं था, अभी स्टेटस वगैरह चेक किया और मेरी फ्रेंड का फ़ोन भी आया था, तो उसने मुझे बोला कि चल अपन चलते हैं बाहर। तो और कोई दूसरी फ्रेंड का तो फ़ोन नहीं आया, पर उसका आया है, तो मुझे उसके साथ जाना है। क्योंकि होता है ना, जो अपने क्लोज होते हैं हमको याद करते ही है, तो मैंने तो नहीं किया उसको याद आज, पर उसने मुझे याद किया और उसको जाना है बाहर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसने मुझे याद किया और मुझे बोला है उसने कि चल हम चलते हैं बाहर। तो अभी और थोड़ा बोला उसने कि थोड़ा जल्दी आ, थोड़ा जल्दी जाएंगे, और क्योंकि घर का भी उसको भी सब निपटाना पड़ेगा, सब उसका भी करके आना होगा उसको। उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, पर खुद के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। खुद के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। आपने देखा मैंने सुबह से बिल्कुल भी बाल वगैरह कुछ भी नहीं बाए हैं, जैसी थी वैसी हूँ मैं सुबह से। खाना बनाने के पहले मिली थी आपसे, उसके बाद में जब दोपहर में काम की जब मिली और अभी मिल रही हूँ, तो अभी जाऊँगी मैं बाहर। और ऐसा नहीं है वीडियोज़ के लिए मैं बाहर जाती हूँ, नहीं, मेरा रूटीन ही ऐसा है कि मुझे मैं डेली कहीं ना कहीं जाती हूँ, कुछ ना कुछ बाहर जाने का रहता ही है मेरा। तो घर के काम के साथ में मैं ये भी सब मैनेज कर रही हूँ। मैं आती हूँ अभी रेडी होकर, तो मेकअप तो बनता है बाहर जाना है तो, है ना। तो अभी मेकअप करूँगी और आऊँगी आपसे मिलूँगी। तो सोच रही हूँ अभी आज क्या पहनूँ, तो चलिए देखते हैं क्या पहनेंगे आज। चलिए, क्या कर रहा तू, टेप का क्या कर रहा तू? मुंह को चिपकाता मैं, पागल लड़के। क्या कर रहा, और यहाँ पर चल रही है बच्चों की मस्ती, क्योंकि मेरा ना प्लान चौपट हो गया। मैंने फ़ोन लगाया था मेरे फ्रेंड को, पहले उसका फ़ोन आया था, पर जाने के टाइम पे मैंने उसको बोला कि बदली बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो कैसा करते, तो वो बोले हमारे तरफ बारिश चल रही है। तो इसके लिए फिर मैंने बोला ठीक है, तो मुझे जाना था, मार्केट जाना ही था, क्योंकि अभी त्यौहार आ रहा है राखी, तो उस मुझे राखियाँ भी लानी थी और थोड़ा सा दूसरा अदर सामान भी लाने का था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो नहीं आ रही, वो कैंसिल हो गया मेरा जाना, तो चलो मैं जाऊंगी अभी मार्केट जाऊंगी खुशी के साथ में। तो हम निकले फिर, और ये नीचे जाने के लिए हम निकले, तो मैंने आपको बताया ही था कि नीचे चल रहा है प्रोग्राम। तो दोपहर में तो मैं गई नहीं वहाँ पर, क्योंकि दोपहर में उन्होंने कुछ आवाज़ दी नहीं थी पूजा के लिए, तो मैं बिना बुलाए कहीं जाती नहीं हूँ। तो उन लोगों ने हमको बुलाया था शाम में, तो हम जा रहे हैं अभी मार्केट, क्योंकि चलो मैंने सोचा कि देखिए आप निकल गए हैं हम, तो शाम को खाना बनाने का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि शाम का न्योता है खाना खाने का, तो सिर्फ खाना खाने के लिए हम सब जाएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो मेरा मार्केट भी हो जाएगा। तो हम निकले हैं, तो वहाँ जाने के बाद देखते हैं, तो मार्केट बंद था क्योंकि संडे था, और संडे के दिन जो हमारे अकोला का मार्केट होता है ना, चिल्लर मार्केट चालू होता है, जो मोहम्मद अली रोड वगैरह है, वो ऐसे नीचे बैठते हैं लोग, वो चालू है। जो मेन होलसेल मार्केट है वो बंद था और मैं भूल गई थी, पर मैंने सोची चलो एक दो दुकानें जो भी खुली होंगी वहाँ पर मैं ख़रीदारी कर लूँगी। तो मैं ढूँढ रही हूँ इधर उधर, पर मुश्किल ही है दिखना अभी। तो एक डेकोरेशन का हमको सामने दिख गया, तो मैंने सोचा चलो वहाँ पे देख लेती हूँ। तो राखियाँ वगैरह तो वहाँ पे नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे डेकोरेशन का भी सामान लेना था, तो मैंने सोचा चलो अभी ले ही लूँ, पर मुझे वहाँ कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद में फिर इतनी बारिश आई कि हम कहीं जा नहीं पाए, क्योंकि बारिश के वजह से ही हमने
फ्रेंडशिप डे का जो हमारा प्लान था वो कैंसिल हुआ था। और इधर मार्केट आए तो जैसे ही दुकान में गए तो इतनी ज़ोरों से बारिश चल रही थी कि हमारा निकलना वहाँ से पॉसिबल ही नहीं हुआ, जल्दी आना नहीं हुआ मेरा वहाँ से, तो कुछ ख़रीदारी भी नहीं हुई और वैसे भी मार्केट भी बंद ही था। पर जो भी कुछ लाया है वो भी वीडियो में देखूंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी आपको क्या ख़रीदारी की है मैंने, ज़्यादा तो नहीं की है, जो भी की है बताऊंगी ज़रूर आपको। तो यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि ये डॉल वगैरह बच्चों के लिए मैंने सोची, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे डॉल्स, तो मैंने देखे वो, मैंने सोची लेकर जाऊँ। तो वीडियोज़ वगैरह अलाउड नहीं होते कई जगहों पर, तो वो कहते हैं कि वीडियोज़ बंद करो, उनको ऐसा लगता है कि हम उनके जो प्रोडक्ट है उनकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं और हम लाकर बेचेंगे, ऐसे कुछ उनके दिमाग में थॉट होते हैं। और ऐसा होता नहीं, हमको करना कुछ नहीं होता उन चीज़ों का, बस लेना होता है। तो डेकोरेशन का ये सामान देखने आई थी मैं और जा रही हूँ दूसरी तरफ क्योंकि मुझे वहाँ कुछ पसंद नहीं आया। तो मुझे, मैंने बताया था आपको, मुझे थोड़ा सा इडली कुकर वगैरह लाना है। मेरी खुशी बोल रही थी मम्मी आपने बहुत दिनों से इडली नहीं बनाए, तो इडली कुकर मेरा नहीं है अभी, तो पहले मम्मी का था तो वही चला लेते थे पर अभी है नहीं, तो सोची कि ले लूँ पर वहाँ पे मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो दूसरी जगह जाना था पर बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए। और ये इधर आ गई हूँ मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे क्योंकि मुझे उसके यहाँ थोड़ा सा काम भी था और फ्रेंडशिप डे था, तो मैंने सोचा चलो बहुत दिनों से उसको मिली नहीं हूँ तो उसके यहाँ पर चली गई मैं उससे मिलने के लिए। तो बहुत उसने मनवार किया तो मुझे उसके घर में भी जाना पड़ा, बैठना पड़ा क्योंकि उसके सास वगैरह थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पर वो ज़बरदस्ती कर रही थी नहीं आ जा। तो थोड़ी देर वहाँ पर भी मेरा गई मैं, उसको विश वगैरह किया और वहाँ नाश्ता वगैरह हुआ हमारा। बाद में फिर हम उससे, देखो उसकी उसका बाबू है, आप देखो उसके बाबू से मिला रही हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे आवाज़ अच्छी नहीं आई इसके लिए, और ये मेरी फ्रेंड है तो इसके लिए मैंने बिल्कुल भी वो नहीं किया। थोड़ी देर बैठी, मुझे काम भी था उससे और फ्रेंडशिप डे था तो मैंने सोची चलो उससे मिल लेती हूँ मैं। फिर वहाँ से हम थोड़ी सी और ख़रीदारी करने के लिए गए थे और फिर रिटर्न आए। तो घर पे आने के बाद में तो आज को आपको बताया मैंने खाना बनाने का काम ही नहीं था, तो हम गए नीचे जहाँ खाना था हमको, रुद्राभिषेक था सुबह से, बताई मैंने आपको वीडियोस में। तो वहाँ पे मैंने ये कर लिए हैं यहाँ पे दर्शन, और बस अभी दर्शन होने के बाद में खाना खाने के लिए। और यहाँ पे बस चल रही है हमारी गपशप और खाना। तो यहाँ पे भी मेरी फ्रेंड्स मिली गई मुझे, तो सब बोल रहे थे कि आज हमको पार्टी मिल गई है फ्रेंडशिप डे की, तो हम एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। मैं मेरा वीडियो यहाँ पे ही एंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो भी कोई देखेगा नहीं मेरा वीडियो, मुझे पता है। तो सभी मेरे फ्रेंड्स को, ऑल ऑफ यू, आपको सबको फ्रेंडशिप की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने बनाऊँगी और जाना तो है मुझे क्योंकि हमारा पोस्टपोन्ड हुआ है, पर मनाएंगे हम फ्रेंडशिप डे तो जब मैं वीडियो डालूँगी। और अभी के लिए इतना ही, तो इसी के साथ मैं मेरा वीडियो एंड करूँगी। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर ना भी किया तो चलेगा पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है।